हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ का सिलेबस डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले मैथ की जो फर्स्ट बुक थी, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका टॉपिक नंबर फर्स्ट यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो आज से आपका फर्स्ट जो पेपर था मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पेपर कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैट्रिसेस क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए मैट्रिसेस, उसके बाद हेडिंग डालिए मैट्रिक्स। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस क्या होती है। देखिए, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उसे हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन अगर दो या तीन मैट्रिसेस हैं एक साथ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिसेस। तो ये होता है मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस में डिफरेंस। अब मैट्रिक्स क्या होती है ये भी हमने आपको बताया, जब सिलेबस डिस्कस हुआ हमने आपको बताया था मैट्रिक्स क्या होती है। जब हम लोग नंबर्स को रो या कॉलम के एक रेक्टेंगुलर एरे में सेट कर देते उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। सेम इसकी डिफिनेशन भी यही रहेगी। देखिए, लिखा हुआ ए कलेक्शन ऑफ नंबर। अब ये क्या, नंबर्स कैसे होने चाहिए? नंबर रियल हो, रियल फंक्शन हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हो सकते हैं। ठीक है, रियल क्या होते हैं, 1 2 3 कोई भी नंबर। कॉम्प्लेक्स का नंबर एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ए कलेक्शन ऑफ नंबर यानी कि रियल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन अरेंज इन द रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि जो फंक्शन जो हमारे नंबर्स होंगे उसे हम लोग किस में अरेंज करेंगे, एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट रो एंड कॉलम। रो और कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई, इसे हम लोग डिनोट किससे करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। लिखेंगे ए सफिक्स में लिखा हुआ आई एंड जे, एंड पूरे होला ब्रैकेट में लिखा हुआ यहाँ पे देखिए एम क्रॉस, इसी को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा रेक्टेंगुलर, यहाँ पे एम क्रॉस एन क्या है, आई क्या है, जे क्या है, ए क्या है। ए जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एक नंबर, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। आई और जे क्या, देखिए लिखा हुआ वेयर आई जो, आई और जे भी हमारे नंबर्स होंगे, 1 2 3 एंड कहाँ तक जाएंगे, एम तक। जे क्या है, 1 2 3 4 ये नंबर जो आएगा एम तक जाएंगे। एम वन क्या है, एम जो है वो नंबर ऑफ रो है, एन क्या है नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, डिफिनेशन के बारे में, रो और कॉलम भी आपको पता होंगे, फिर भी चलिए बता दें रो क्या होता है। देखिए, जो यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं रो। एंड जो वर्टिकल लाइन है ये देखिए, इसको हम लोग कहेंगे कॉलम। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी रो होती है, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। एम क्रॉस एन का मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो एम क्रॉस एन के लिए, एम नंबर्स होते हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स भी होती हैं, 3 क्रॉस, लगभग देखिए ज़्यादातर मैट्रिक्स जो होती है वो 3 क्रॉस 3 की होती हैं। तो 2 क्रॉस 2 की होती है, 3 क्रॉस 3 की होती हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 3 की भी हो सकती है, 4 क्रॉस 3 की हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने एक जनरल मैट्रिक्स ले ली, कौन सी, एम क्रॉस एन की। एम और एन जो है वो यहाँ पर हमारे नंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ A11। A क्या है, A कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स कैसे होंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है A और सफिक्स में लिखा है 11, यानी कि इसका मतलब है A फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग मैट्रिक्स में लिखते हैं सबसे पहले रो आती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है, रो आती है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉलम। यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले एम जो है वो रो के लिए यूज़ किया गया, एन जो है वो कॉलम के लिए यूज़ किया गया। तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले क्या होगी, रो होगी, उसके बाद कॉलम। यानी कि यहाँ पे अगर लिखा है A11 तो इसका मतलब ये जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद देखिए ये लिखा A12, यानी कि ये वाली रो तो पूरी फर्स्ट चलेगी बट कॉलम चेंज होगी। हमने आपको बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारी रो होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है ये कॉलम होती है। ठीक है, तो ये देखिए A11 यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम होगा। A12 का मतलब ये रो फर्स्ट है बट कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। उसके बाद A13 का मतलब ये फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम है। ऐसे देखिए ये कहाँ तक जाएंगे, A1 ये रो तो फर्स्ट है, एक बार हमने आपको बताया यहाँ पे हम लोग एम तक, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो एम क्रॉस एन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया, यहाँ पर आई है, आई क्या, वो सॉरी जे ले लिया, जे क्या कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, 100 भी हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स हम लोग कहाँ तक ले रहे हैं, एम तक ले रहे हैं, यानी कि 100 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये रो तो लेकिन फर्स्ट रहेगी बट कॉलम कोई भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है, जे। उसके बाद डैश देखिए, यहाँ पे रो तो फर्स्ट चली बट कॉलम कौन सा हो गया, एन। कॉलम क्या हो गया, एन। एन का नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो आप जैसे अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी तो यहाँ पे एन का नंबर हो जाएगा 3। अगर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उसमें जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, यानी कि 3 रो है तो 3 कॉलम होंगे। उसके बाद देखिए, अब ये देखिए सेकंड रो आएगी हमारी, तो यहाँ पे क्या लिखा, A21। हमने आपसे कहा था रो पहले लिखेंगे और कॉलम बाद में लिखेंगे। तो ये देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ऐसे ये वैल्यू वैटेज लिखी रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग एम की बात कर रहे हैं, एम तक जाएगी रो जो है वो हमारी कहाँ तक जाएंगे, एम तक जाएंगे, और कॉलम कहाँ तक जाएंगे, एम तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रो जो है वो हमारी
एम तक जाएंगे, एंड कॉलम जो है वो एम तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हमने क्या लिख दिया, एम। सबसे पहले हमने आई लिया क्योंकि आई जो है वो भी हमारा रो का ही काम कर रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है 1 to 3 एम तक, तो आई यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 तक देखिए लिख सकते हैं, 3 आएगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ये जो एम है वो कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये वाली जो ए आई वन, यानी कि ये जो है यहाँ पे रो कौन सी है आई, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, आई टू का मतलब आई रो है, कॉलम सेकेंड है। यहाँ पे देखिए आई थ्री लिखा, यानी कि रो जो है वो आई है एंड कॉलम कौन सा है, 3। ऐसे ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई और जे, यानी कि जो रो है यहाँ पे आई है, कॉलम कौन सा है, जे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आई एन, यानी कि रो आई चल रही है बट कॉलम चेंज होंगे। देखिए यहाँ पे क्या रो वही चलेगी बट कॉलम चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या रो चेंज होगी कॉलम। देखिए ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम से, ये देखिए कॉलम फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड कॉलम। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ऐसे ही रो चलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया ए एम के लिए, ठीक है, एंड समान लगा के क्या लिख दिया ए एम, यानी कि अब ये जो रो है वो एम के लिए, लास्ट रो हमने लिख दिया कौन सी, एम, एम का कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने ए वन और रो, तो देखिए कॉलम ये फर्स्ट रहेगा, ये कॉलम सेकेंड है, ये थर्ड है, ये कॉलम है, ये एन कॉलम है। तो देखिए यहाँ पे लिखा ए एम वन, यानी कि फर्स्ट रो कौन सा है एम, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, ए एम टू यानी कि एम रो है, सेकेंड कॉलम है, ए एम थ्री का मतलब एम रो है एंड थर्ड कॉलम। ऐसे ही देखिए एम आई एम जे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि रो जो है वो एम चल रही है, कॉलम क्या है, जे, एंड लास्ट में लिख दिया ए एम और एन, क्या मतलब यहाँ पे जो लास्ट नंबर आएगा वो एम और एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रो है वो एम है, कॉलम कितना आएगा एन, क्योंकि ये हमारी लास्ट नंबर। अब देखिए ये तो हो गई हमारी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, देखिए हमें लिख दिया ये मैट्रिक्स किसकी है, एम क्रॉस एन की। ऐसे ही अब बात करते हैं 2x2 की, अगर कोई मैट्रिक्स होगी, देखिए अगर 2x2 की मैट्रिक्स तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 इस टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी, तो इसे हम लोग कह देंगे 2x3 की मैट्रिक्स, सॉरी 2x2 की मैट्रिक्स। अगर 3x3 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 4, ये देखिए मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 3x3 की, ठीक है। जो मैट्रिक्स में जो भी जैसे भी मैट्रिक्स अगर 2x2 की दे रखी होंगी, 3x3 की, 4x4 की भी होती है, ठीक है, एंड 2x3 की भी होती है। देखिए अगर 2x2 की है तो यहाँ पे जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, लेकिन अगर 3x2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली हमने आपको बताया रो, यानी कि यहाँ पे जो रो होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी, लेकिन कॉलम 2 होंगे। कैसे देखिए यहाँ पे रो, ये देखिए ये मैट्रिक्स हो जाएगी 3x2 की। देखिए रो देखिए 1, 2, 3, यानी कि रो कितनी, 3, एंड कॉलम कितना है, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये होती है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमने लिखी है एन क्रॉस एन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मैट्रिक्स की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई, क्या होती है जब हम लोग नंबर्स को रो या कॉलम की एक रेक्टेंगुलर एरे में सेट कर देते, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। डिफिनेशन देखिए पता होनी चाहिए आपको, जिनके पेपर थ्योरेटिकल है उनके एग्जाम में आ सकती है वेरी शॉर्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मैट्रिक्स की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है डिफिनेशन में, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 की हो गई, 3x3, 4x4, यानी कि जितनी भी मैट्रिक्स होंगी वो एन क्रॉस एन की होनी चाहिए, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा 2x3 की होनी चाहिए या 3x4 की, ये मैट्रिक्स नहीं होनी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, यानी कि एन क्रॉस एन जितनी भी मैट्रिक्स होंगी वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच वन ऑफ द नॉन डायगोनल इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज़ रिटन बाई, यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ सेम, जो डायगोनल में जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट डायगोनल में होंगे, डायगोनल क्या होता है भाई ये भी देख लीजिए, ये देखिए ये लिखा, यानी कि A11, A22, A33, जितने भी ये नंबर्स होते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट रो होगी, अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम होना चाहिए, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम होना चाहिए, फोर्थ रो है तो फोर्थ कॉलम होना चाहिए, अगर एंड रो है तो एंड कॉलम भी होना चाहिए। तो ये जितनी भी मैट्रिक्स होती है वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होंगे वहाँ पे नंबर्स होंगे, एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के जो भी नंबर्स होंगे वो सारे जीरो होंगे, यही हमारी होती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो सेम यही डिफिनेशन भी लिखा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच वन ऑफ द नॉन डायगोनल इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज रिटन बाय, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू डायगोनल को यहाँ पे लिखा, ठीक है। अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं A11, A22, A33 एंड समान ANN, ये हम जनरल की बात करें। यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल हम आपको मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स वो सारे हमारे 3x3 के ही होंगे, ठीक है।
वेयर आई जे जो है वो हमारा आई और लिखा हुआ है सफिक्स में आई और जे, यानी कि ए जो है वो कांस्टेंट कोई भी नंबर्स हो सकता है। ये एलिमेंट सारे हमारे यहाँ जीरो होंगे। कब? यहाँ पे जो है आई और जे, आई जो है वो कभी भी जे के इक्वल नहीं हो, क्योंकि अगर आई जे के इक्वल हो तो यहाँ पे जो एलिमेंट जो वन वन है, ये वन टू, ये सारे यहाँ पे आई और जे दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी। तो ये होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनेशन भी एग्जाम में आ जाती है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है इसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो सारे इक्वल होने चाहिए। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर्स अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने टू लिखा है, फिर सेकंड में फोर लिखा है, फाइव लिखा है, यहाँ पे नंबर डिफरेंट होंगे। बट स्केलर मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जो है वो इक्वल होंगे, तो ये हमारी हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स। सेम देखिए डिफिनेशन यही लिखी हुई, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, यानी कि एलिमेंट कैसे होंगे, आर इक्वल होंगे, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, इसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज रिटन बाय, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल, देखिए यहाँ पे थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स थी। देखिए डायग्राम में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सेम, यानी कि अगर टू लिखा है ए वन वन में तो ए टू टू पे भी टू लिखा है, ए थ्री थ्री में भी हमने टू लिखा है। एंड अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पे हमने लैम्डा के लिए भी लिखा है, लैम्डा लैम्डा, यानी कि सारे एलिमेंट कैसे होंगे, सेम लैम्डा। बट यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो लैम्डा कभी भी वन और जीरो नहीं होगा। ठीक है, वन क्यों नहीं होगा? देखिए वन इसलिए नहीं, क्योंकि अगर लैम्डा यहाँ पे अगर हम लोग वन रख दें तो ये हमारी जो मैट्रिक्स नंबर थर्ड होगी, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। एंड अगर लैम्डा जीरो है तो पूरी मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। और इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई भी पूरी मैट्रिक्स जीरो तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है यानी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो सेम नहीं होंगे, किसमें, डायगोनल के लिए। तो डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होंगे, डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट होंगे यहाँ पे जीरो, और डायगोनल में एलिमेंट कभी भी सेम नहीं होंगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। बट यहाँ पे जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ पे जो लैम्डा होगा वो वन और जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग जनरल की बात करें तो ये देखिए लैम्डा, ये रहा, ये क्या है, वन वन, ए वन वन, ए वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, यहाँ पे भी सेम स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वन और जीरो नहीं, क्योंकि वन होगा तो यूनिट मैट्रिक्स होगी, अगर जीरो होगा तो नल मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों ही मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स नंबर थर्ड यानी कि यूनिट मैट्रिक्स की। चलिए हम लोग बात करते हैं अगली मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, हमने आपको बताया यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होंगे वो वन होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स की डिफिनेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू वन, यानी कि एलिमेंट इक्वल तो होंगे और मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एलिमेंट इक्वल तो होंगे बट लिखा हुआ है वन, यानी कि इक्वल कैसे, वन एलिमेंट होना चाहिए, इस कॉल्ड, इसी को यूनिट मैट्रिक्स या ऑरिएंटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई एंड सफिक्स में लिखा हुआ एन, से हम लोग आई एन से डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई एन इक्वल टू ए लिखा है, आई जे ए क्या, ए कॉन्स्टेंट, आई जे, आई जे हमने आपको बताया, एन और एन क्रॉस एन, यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होंगी वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। आप चाहें तो एग्जांपल के लिए जनरल मैट्रिक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स का यूज़ किया है। तो हमने लिख दिया एन का मतलब यही है कि यहाँ पे जो रो और कॉलम होंगे वो क्या है। तो यहाँ पे आई थ्री, यानी कि आई थ्री क्यों लिखा, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे रो कितनी है, थ्री, कॉलम कितना है, थ्री, तो डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, आई थ्री। तो यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे जो डायगोनल बन रहा है वो एलिमेंट क्या बन रहा है, वन, और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, जीरो। तो ये होती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये तीनों मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई, बहुत ईजी है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे बाकी अदर एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। एंड स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल में एलिमेंट जितने भी होंगे वो सारे इक्वल होंगे, बाकी अदर एलिमेंट जीरो होंगे। यूनिट मैट्रिक्स में क्या है भाई, जितने भी डायगोनल में एलिमेंट है वो इक्वल है, इक्वल होंगे बट कैसे होंगे, वन होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट होगा उसे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अगर वन से ज़्यादा, मान लीजिए टू एलिमेंट है, यानी कि एलिमेंट इक्वल तो हैं बट यहाँ पे वन नहीं होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स। तीनों ही मैट्रिक्स बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, तीनों ही मैट्रिक्स बहुत ईजी है। एंड ये जो तीन मैट्रिक्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स नंबर फोर की, जिसका नाम है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड मैट्रिक्स नंबर फाइव है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या लिखा होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट बिलो
द प्रिंसिपल डायगनल इज जीरो इज कॉल्ड अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। अगर जनरल की बात करें तो हमने जनरल के लिए भी एग्जाम्पल लिख दिया, एंड थ्री क्रॉस थ्री की जो मैट्रिक्स होती है उसके लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिलो, ये देखिए लिखा है, क्या लिखा हुआ है बिलो। ट्राइंगुलर का मतलब क्या होता है भाई, ट्राइंगुलर का मतलब ये, देखिए ट्राइंगुलर हो गया, तो यहाँ पर देखिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपर में जितने भी डायगनल से लगा के, देखिए अपर में जितने भी, यहाँ पर देखिए ये बनना है ट्राइंगुलर। ठीक है, तो ये क्या बनना है अपर ट्राइंगुलर, तो इसी को हम लोग कह देंगे अपर ट्राइंगुलर। बाकी जो नीचे एलिमेंट होंगे वो सारे ही जीरो होंगे। लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। लोअर ट्राइंगुलर में देखिए, ये देखिए ये वाला ट्राइंगुलर बनेगा, नीचे ट्राइंगुलर बनना होगा, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, तो बस इतना सारे डिफरेंट है अपर और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। ये दोनों मैट्रिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता दिया क्या होती है भाई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी। उसमें देखिए ये अपर में ट्राइंगुलर बनेगा, लोअर ट्राइंगुलर में, लोअर ट्राइंगुलर यानी कि नीचे को ट्राइंगुलर बनेगा, और बाकी जितने एलिमेंट होंगे वो सारे ही एलिमेंट जीरो होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो मैट्रिक्स थी आपको समझ में आ गई, एंड कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स भी होती है उनके बारे में भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मैट्रिक्स ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या थी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स जो होंगी वो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। उसके बाद भाई जितने भी नंबर डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, बाकी अदर एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर डायगोनल में एलिमेंट इक्वल हैं बट वन और जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट इक्वल है बस वन और जीरो नहीं होना चाहिए, वन भी नहीं होना चाहिए एंड जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कह दें। अगर एलिमेंट वन है तो उसे हम लोग यूनिटी मैट्रिक्स कह देंगे, लेकिन अगर जीरो है तो क्या, हमने आपको बताया अगर कोई भी मैट्रिक्स पूरी जीरो है उसे हम लोग नल मैट्रिक्स कह देंगे। अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, अपर जो अपर में देखिए यहाँ पे ऊपर जो है हमारा ट्राइंगुलर बनना है, बाकी जितने एलिमेंट है वो सब जीरो। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, देखिए लोअर ट्राइंगुलर में, लोअर में देखिए यहाँ पे नीचे ट्राइंगुलर बनना है, बाकी ऊपर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं जीरो लिखे। लेकिन जो इसके डिफिनेशन लिखी सेम आपको उसमें भी सेम यही डिफिनेशन लिखनी, बस बिलो की जगह क्या कर लेंगे अबव कर लीजिएगा। ठीक है, डिफिनेशन सेम रहेगी इसलिए हमने नहीं लिखी, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो उम्मीद करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में। ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टी देखिए आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी 12th क्लास में, अगर नहीं भी पढ़ी तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको सारी प्रॉपर्टी बताएं जैसे मैट्रिक्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर ऑफ के, यानी कि किसी अगर कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसमें हमें किसी भी नंबर, अगर जनरल की बात करें के से हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, विद मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स किसकी, कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखी है उसमें हमें किससे के से करनी है मल्टीप्लाई, देन इट्स मल्टीप्लाई ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स लिखे होंगे सभी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्या भाई देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने कि एक ये मैट्रिक्स ले ली 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें हमने के से मल्टीप्लाई करनी, के कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, इससे हमें मल्टीप्लाई करनी, तो मल्टीप्लाई का कंडीशन यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स के, कि जितने भी मैट्रिक्स में नंबर है सभी के साथ ये किया जाएगा। तो देखिए हमें लिख दिया 2k 4k 3k एंड 6k, तो यहाँ भी कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी, अगर किसी भी नंबर्स की हमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई उसके ईच एलिमेंट, यानी कि देखिए लिखा हुआ ईच ऑफ द एलिमेंट, यानी कि सभी नंबर के साथ उस नंबर की मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट तो ये प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी ये हमारी सिमिलर, इफ़ वी कॉमन एनी नंबर फ्रॉम मैट्रिक्स ए देन इट्स नंबर कॉमन फ्रॉम ईच नंबर ऑफ मैट्रिक्स, क्या मतलब है देखिए कोई भी अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी उसमें अगर कोई नंबर कॉमन है, ठीक है, तो वो अगर हमें कॉमन चाहिए तो वो पूरी मैट्रिक्स में कॉमन होना चाहिए, तब हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया कोई एक मैट्रिक्स हमने ए ले ली, यहाँ पे लिखा है 2 4 8 10, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा, तो इस पूरे में से हम लोग 2 कॉमन लें, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे कितना बचेगा 2, अगर यहाँ से 2 कॉमन 2 4 ज़ा 8 तो यहाँ पे कितना हो गया 4, और यहाँ से कॉमन 2 5 ज़ा 10 यानी कि 5, तो इस पूरी मैट्रिक्स में क्या हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, एक मेथड और, अगर चाहे हमें रो में से कॉलम कॉमन लेना हो या कॉलम में से, ठीक है, एक टाइप और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4, ये लिखा हुआ है 1 3, ठीक है, तो चाहे तो हम इस पूरी रो में से भी कॉलम ले कॉमन ले सकते हैं कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए रो में तो हमें 2 कॉमन मिल रहा है बट यहाँ पे हमें कॉमन नहीं मिल रहा, तो कभी कभी क्या होता है हम लोग इससे भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स में से हमें कोई वैल्यू कॉमन, तो वो पूरी मैट्रिक्स में कॉमन होनी चाहिए, सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन कैसे करते हैं।
आपको पता भी होगा, आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। इफ़ वी एडिंग टू मैट्रिक्स, देखिए ऐड करने के लिए कोई दो मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, दो से ज़्यादा होंगे तब भी करें, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम हमें दो मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। इफ़ इट्स ऑर्डर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि उनका ऑर्डर जो है वो इक्वल होना, जैसे 2x2 की होनी चाहिए, 3x3 की, अगर दो मैट्रिक्स, अगर एक 2x2 की दूसरी भी हमारी 2x2 की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली, एक मैट्रिक्स बी ले ली, तो यहाँ पे ऐड करने का सेम मैथड, देखिए यहाँ पे फर्स्ट अगर रो है फर्स्ट कॉलम है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ऐड होगा, फर्स्ट अगर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो ये इससे ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से ही ऐड होगा। अब देखिए 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, 1 और 5 को ऐड करेंगे 6, 6 और 1 को ऐड करेंगे 7, 5 और 4 को ऐड करेंगे 9, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एडिशन भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई की मैट्रिक्स की हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पे हमने दो, देखिए जो 2x2 के लिए अब मैथड अप्लाई, वही 3x3 के लिए होगा, वही 4x4 के मैथड नहीं चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमने दो मैट्रिक्स ले ली जो हमारी 2x2 की, अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की कंडीशन ये होती है, देखिए अगर फर्स्ट ये रही हमारी फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो जो है उसका हम लोग पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे। मैथड देखिए फर्स्ट रो की पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो देखिए 2 1 2, उसके बाद 3 3 जा, यहाँ पे निशान आएगा प्लस का, 3 3 जा हो जाएगा 9, ठीक है। तो फर्स्ट रो की हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली, अब फर्स्ट रो की करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो जब सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा हो जाएगा 4, फिर से निशान प्लस का आ जाएगा, और 3 5 जा हो जाएगा 15, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, उसके बाद जो सेकंड वाली रो है हमारी, सेकंड रो की भी सेम यही रहेगी, सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे देखिए 1 तो 1 एटीजेड रहेगा, प्लस का निशान आएगा, 12 आ जाएगा, 4 3 12 होता है। एंड यहाँ पे देखिए अब इसकी यहाँ पे सेकंड कॉलम से करेंगे, जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, प्लस का आ जाएगा 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ, अगर देखिए यहाँ पे 3x3 की होती तो उसने मेरा, फिर थर्ड वाली रो भी देखिए यहाँ पे 2x2 की, तो हमने क्या करा, फर्स्ट वाली रो की पहले फर्स्ट कॉलम से करी, फिर सेकंड कॉलम से करी, निशान बीच में प्लस का आएगा, फिर जो सेकंड वाली रो थी उसकी फर्स्ट कॉलम से करी, फिर सेकंड, अगर थर्ड होती तो यहाँ पे 3 रो होती, तो वो जो मैट्रिक्स होती वो 3x3x3 की ये भी होती, एंड 3x3 की दोनों मैट्रिक्स होंगी वो 3x3 की होंगी, तो वहाँ पे थर्ड वाली रो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस इतना सा ही यहाँ पे डिफरेंट है। तो अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएंगे वही हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19, ये हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 22, ये हो गया हमारा आंसर किसका, ए एंड बी की, जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करी। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, यानी कि किसी अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसमें मल्टीप्लाई, तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर कॉमन लेना तो यानी कि पूरी मैट्रिक्स में वो वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। थर्ड में एडिशन के लिए सेम, अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ फर्स्ट रो इसी को हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही ऐड कर दें। मल्टीप्लाई कंडीशन क्या होती है भाई, अगर जो फर्स्ट वाली रो है उसकी मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट वाली रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे, फिर जो सेकेंड वाली हमारी रो है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का मेथड, उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स की डिफिनेशन डिस्कस की थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मैट्रिक्स के टाइप होते हैं उसके बारे में भी, अब देखिए कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स भी रहेंगे जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करें। उम्मीद करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गए, एंड ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स की, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गए। अब कुछ दो क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ, इफ ए अल्फा की हमें वैल्यू दे रखी, क्या दे रखी, कॉस अल्फा लिखा है, साइन अल्फा लिखा, माइनस का साइन अल्फा लिखा एंड कॉस अल्फा लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है देन टू प्रूव, यानी कि हमें वैल्यू प्रूफ करनी, क्या प्रूफ करनी, सबसे पहले हमें प्रूफ करना ए अल्फा और ए बीटा की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ए अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए, फर्स्ट नंबर पर हमें ये प्रूफ करना है। सेकेंड नंबर पर हमें प्रूफ करना है ए अल्फा और ए माइनस का अल्फा, ये जो वैल्यू लिखी है सफिक्स में लिखी हुई है, ठीक है। ए सफिक्स में अल्फा लिखा है, ए सफिक्स में माइनस का अल्फा लिखा है, तो इनकी मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या लाना है, आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है भाई, डायगनल में एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे। एंड थर्ड नंबर पर प्रूफ करना, अगर ए अल्फा की पावर एन अगर हम लोग फाइंड करें, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ए एन अल्फा, यानी कि एन जो है वो सफिक्स में आ जाएगा अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये तीन हमें चीज़ें प्रूफ करनी है। चलिए एक एक करके तीनों को ही हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले जो सोल्यूशन में हमें गिवन में वैल्यू दे रखी है उसे हमने लिख लिया, ए अल्फा इक्वल टू दे रखी है एक मैट्रिक्स,
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या ए बीटा का यूज, ए बीटा का यूज करना है। तो ए बीटा के लिए हमने क्या किया भाई, देखिए यहाँ पे लिखा था ए अल्फा, यानी कि सफिक्स में अल्फा लिखा, तो देखिए क्या रहा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर हम लोग इसी में अगर ए बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस का साइन बीटा एंड कॉस बीटा, यानी कि अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा, बीटा। आप क्या करें, फर्स्ट नंबर को प्रूफ करने के लिए ए अल्फा और ए बीटा की मल्टीप्लाई करनी, तो हमने लिख लिया ए अल्फा मल्टीप्लाई ए बीटा। एक और देखिए ए अल्फा की वैल्यू लिख दी, उसके बाद ए बीटा की, अब मल्टीप्लाई का सेम मेथड वही रहेगा जो हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो रो है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी, फर्स्ट वाली रो की फिर मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से होगी, ऐसे सेकंड वाली रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम से। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले तुम लोग। तो देखिए कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस बीटा से, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। फिर हमने आपको बताया था निशान लगेगा प्लस का, यानी कि साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब देखिए प्लस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या, साइन अल्फा की मल्टीप्लाई जो साइन बीटा से होगी, तो साइन अल्फा साइन बीटा तो आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा एंड साइन बीटा। अब देखिए फर्स्ट वाली रो की मल्टीप्लाई किससे, फर्स्ट कॉलम से होगी, अब फर्स्ट वाली रो की करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो कॉस अल्फा की साइन बीटा से होगी, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये देखिए कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। उसके बाद इसकी, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन अल्फा एंड कॉस बीटा। अब देखिए फर्स्ट वाली रो की हमने फर्स्ट कॉलम से कर ली, सेकंड कॉलम से करी, अब सेकंड वाली रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा, जब इसकी मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे करेंगे, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फिर से माइनस माइनस क्या, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। अब देखिए सेकंड रो की किससे होगी, फर्स्ट कॉलम से, अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, सॉरी सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करते हैं, माइनस का साइन अल्फा है, यहाँ पे लिखा है साइन बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा एंड साइन बीटा, प्लस का निशान लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई से, यानी कि कॉस अल्फा करेंगे कॉस बीटा, तो यहाँ पर जो कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमें मैट्रिक्स में, यानी कि लिखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले बन रहे हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे कॉस ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी का, तो ठीक है, तो यहीं पर इसका हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का होगा कॉस ए कॉस बी। अब देखिए कॉस में क्या होता है, अगर प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का होगा, बस वहाँ पे अगर ए माइनस बी का हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद साइन का भी सेम फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले आप लोगों ने इंटर क्लास में पढ़े होंगे, तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बस ए और बी की जगह क्या चल रहा है, अल्फा एंड बीटा चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए प्लस बी का, ए की जगह क्या चल रहा है अल्फा एंड बी की जगह क्या चल रहा है बीटा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए प्लस बी का साइन सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा का। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ, साइन अल्फा कॉस बीटा, उसके बाद देखिए लिखा हुआ यहाँ पे कॉस अल्फा साइन। अब देखिए यहाँ सबसे पहले तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहीं पे इसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस, और ये देखिए ब्रैकेट लग गया, ठीक है। अब देखिए दोनों के साथ माइनस था, तो माइनस हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो ये माइनस जो है वो एटीजेड लिखा रहेगा, और ये फॉर्मूला देखिए बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला देखिए कॉस अल्फा, इसे देखिए यहाँ पे माइनस लगा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो इधर से देखिए कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, ठीक है। चाहे तो आप कॉस की वाली वैल्यू पहले लिख लीजिए, इसे एक बार एक स्टेप बढ़ा के इसे पहले लिख लीजिएगा, इसे बाद में लिख लीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का।
इक्वल में क्या चल रहा था, इक्वल में चल रहा था ए अल्फा और ए बीटा के हम लोग कर रहे थे मल्टीप्लाई। तो देखिए जब ए अल्फा एंड ए बीटा की मल्टीप्लाई करी हम लोगों ने तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, देखिए ए अल्फा में देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीटा की क्या कर रहा था अल्फा की जगह बीटा हो गया। सेम देखिए यहाँ पे भी यही बन रहा है कॉस, बस अल्फा की जगह क्या चल रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, बाकी देखिए सेम वही देखिए कॉस लिखा है कॉस लिखा है, साइन के साथ साइन लिखा हुआ है, माइनस का साइन था माइनस का साइन लिखा है, कॉस लिखा है कॉस, बस अल्फा की जगह क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये वैल्यू क्या होगी ए अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है क्या करें, सबसे पहले जो हमें वैल्यू दे रखी थी ए अल्फा किसे गिवन में लिख लिया, उसके बाद ए बीटा की वैल्यू हम लोगों ने लेट कर ली, जहाँ अल्फा चला तो वहाँ पे बीटा लिख दिया, और ए अल्फा और ए बीटा की जब मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने का सेम मेथड फर्स्ट वाले रो की सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से करी, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने को यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले का यूज़ किया, जो कि हमने फॉर्मूले लिख दिए हैं। ठीक है इसका यूज़ करो, यहाँ पे देखिए जो कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस, जो हमें मैट्रिक्स दे रखी थी एट इजेड वही मैट्रिक्स बन गई, बस यहाँ पे अल्फा की जगह क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू थी ए अल्फा की और यहाँ पे अल्फा की जगह ए अल्फा प्लस बीटा, और तो हमने लिख दिया भाई ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी ए अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है तो फर्स्ट पार्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो देखिए सेकेंड वाले पार्ट में सबसे पहले जो वैल्यू गिवन में दे रखी है इसे हम लोग एट इज लिख लेंगे, यानी कि ए अल्फा इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वैल्यू हमने एटीट्यूड लिख ली। अब देखिए यहाँ पे जो अल्फा है अल्फा की जगह हम लोग पुट करेंगे जीरो, यहाँ पे लिख देंगे पुट अल्फा इक्वल टू जीरो, जब अल्फा इक्वल टू जीरो रखेंगे जहाँ जहाँ अल्फा चल रहा है वहाँ सारी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा ए जीरो, चाहे ए जीरो पढ़िए या ए नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है उसके बाद देखिए ये अब देखिए कॉस जीरो वन साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वन जीरो जीरो वन। और ये देखिए कौन सी मैट्रिक, ये हमारी यूनिटी मैट्रिक, देखिए डायगोनल में क्या बन रहा है वन और बाकी एलिमेंट कैसे हैं जीरो। देखिए ये मैट्रिक्स टू क्रॉस टू की है, थ्री क्रॉस जितने भी थ्री क्रॉस थ्री फोर क्रॉस फोर फाइव क्रॉस, बस आपको ये देखना अगर डायगोनल में वन बन रहा है और बाकी एलिमेंट जीरो तो ये हमारी यूनिटी मैट्रिक्स है, और यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, उसे हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू आई, चाहे तो ए जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, और इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे बनाइए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ ए अल्फा ए बीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए अल्फा एंड जब हम लोगों ने ए बीटा की मल्टीप्लाई की तो आ रहा था ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है अब इसी में देखिए बीटा इक्वल टू हम लोग रखेंगे माइनस का अल्फा पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग पुट करेंगे बीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा। ठीक है अपने पास से कुछ पुट नहीं कर रहे, देखिए इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंग ये देखिए ए अल्फा चाहिए ए अल्फा लिखा हुआ है, ए माइनस का बीटा आ रहा है सफिक्स, तो अभी तो इसीलिए बीटा को हमने किस में रिप्लेस कर दिया माइनस के अल्फा में, इसीलिए हम लोग पुट कर रहे हैं बीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा। तो देखिए ए अल्फा एटीट्यूड लिखा रहेगा, ये आ गया ए माइनस का अल्फा इक्वल टू में आएगा ए सफिक्स में आएगा अल्फा माइनस का बीटा, देखिए बीटा की सॉरी माइनस का अल्फा, बीटा की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं माइनस का अल्फा, तो ये देखिए ए अल्फा माइनस और एक वैल्यू क्या है प्लस एक वैल्यू माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा ए जीरो या कह सकते हैं ए नॉट, ए अल्फा प्रोडक्ट ए माइनस का अल्फा क्या आएगा ए नॉट। अब यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में देखिए ए नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं आई, या ए जीरो को क्या लिख सकते हैं आई, यहाँ पे आ जाएगा ए अल्फा एंड ए माइनस का अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आई, ये हमें प्रूफ करना, तो सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया प्रूफ, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की, थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा ए अल्फा की पावर एन, इसमें भी हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का ही यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए यहाँ पे भी हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, ये वाला ये जो है वो हमारा थर्ड पार्ट है। तो देखिए इक्वेशन वन में ए अल्फा ए बीटा की जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करी थी ए अल्फा प्रोडक्ट ए बीटा इक्वल टू में आ रहा ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है अब यहाँ पे हम लोग बीटा को किस में रिप्लेस करेंगे अल्फा में, तो यहाँ पे लिख देंगे
पुट करेंगे बीटा इक्वल टू अल्फा। जब बीटा इक्वल टू अल्फा है तो यहाँ पे हो जाएगा ए अल्फा और ये हो जाएगा ए अल्फा, ए अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, अब क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो ये देखिए ए अल्फा एंड ए अल्फा, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू सारी सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा ए अल्फा का स्क्वायर। और ये देखिए ए सफिक्स में क्या लिखा, अल्फा प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा टू अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए टू अल्फा। ठीक है, तो ए जब हम लोग ए अल्फा का स्क्वायर निकाला तो क्या आ रहा है ए टू अल्फा। जब हम लोग ए अल्फा निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए अल्फा। तो अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे अगेन यहाँ पे ए अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे अगेन ए अल्फा स्क्वायर एट इजेड लिखा रहेगा, इसमें हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई ए अल्फा से और ये आ जाएगा ए टू अल्फा एंड ये लिखा हुआ ए अल्फा। अब देखिए फिर से ये वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अल्फा का क्यूब हो जाएगा आपकी। और ये देखें यहाँ पे ए चल रहा है, ए चल रहा है, ये जब भी मल्टीप्लाई वैल्यू होती है तो पावर जो है वो ऐड होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वैल्यू सेम थी तो यहाँ पे पावर कितनी है वन, ये पावर है टू, तो यहाँ पे ऐड हो गई। अब यहाँ पे भी देखिए ये तो ए और ए तो वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे ये टू अल्फा लिखा है, ये क्या लिखा है अल्फा, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए टू अल्फा प्लस अल्फा, तो ए अल्फा की पावर हम लोगों ने क्यूब निकाला तो क्या आ रहा है ए थ्री अल्फा। ठीक है, देखिए जब हम लोगों ने ए अल्फा का स्क्वायर निकाला तो टू अल्फा आ रहा है, ए अल्फा का क्यूब निकाला तो ए थ्री अल्फा, यानी कि सफिक्स वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं एंड समान, अगर हम लोग ए अल्फा की पावर एन निकालेंगे तो क्या आएगा ए एन अल्फा। ये हो गया हमारा थर्ड वाला भी प्रूफ। उम्मीद करते हैं तीनों प्रूवमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते तीनों इंप्रूवमेंट आपको समझे। फर्स्ट वाला हम बता चुके, सेकंड वाला एक बार फिर से देख ली। सेकंड वाले में हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करा। सबसे पहले तो हमने जो गिवन में वैल्यू दे रखी थी ए अल्फा, यहाँ पे अल्फा के इक्वल टू जीरो पुट करा। जब जीरो करा तो भाई कॉस जीरो तो वन हो गया, साइन जीरो जीरो हो गया, तो डायरेक्ट वैल्यू। और देखिए डायगोनल में जब कभी भी वन बनते हैं या वो टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स हो या थ्री क्रॉस थ्री की या फोर क्रॉस या एन क्रॉस एन की भी हो, अगर डायगोनल में वन है बाकी एलिमेंट जीरो है तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। और यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो ए नॉट इक्वल टू आगे आई से बना रही इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू माइनस का बीटा पुट किया, क्यों पुट, सॉरी माइनस का अल्फा पुट किया, क्यों पुट किया भाई, देखिए सेकंड वाले प्रूवमेंट में हमें ए अल्फा और ए माइनस के अल्फा की मल्टीप्लाई करनी थी। तो यहाँ पे अल्फा तो हमारा एटीट्यूड लिखा ही हुआ, तो बस हमने बीटा को किस में रिप्लेस कर दिया, माइनस का अल्फा में, क्योंकि हमें माइनस का अल्फा चाहिए था। जब इसे माइनस के अल्फा में रिप्लेस करा तो यहाँ पे क्या आ गया ए अल्फा, माइनस का अल्फा और अल्फा से अल्फा हो गया कैंसिल, यानी कि वैल्यू हो गई जीरो। चाहे तो ए नॉट पढ़िए ए जीरो रखिए। फिर हमने लिखा यूजिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ करो, ये वैल्यू होगी ए अल्फा प्रोडक्ट ए माइनस का अल्फा, वैल्यू क्या आ गई आई। ये था सेकंड। थर्ड प्रूवमेंट देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें बीटा की जगह अल्फा पुट कर दिया। ठीक है, जब अल्फा पुट करा तो जब हमने इसका स्क्वायर देखिए ए अल्फा का स्क्वायर क्या होगा ए टू अल्फा। फिर यहाँ पे हमने ए अल्फा से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ए अल्फा का क्यूब क्या आ रहा है ए थ्री अल्फा। तो ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं ए अल्फा का हम लोग फोर निकालेंगे, ए अल्फा की पावर फोर निकालेंगे तो क्या आएगा ए फोर अल्फा, फाइव निकालेंगे तो ए फाइव अल्फा। ऐसे हम लोग लिख दिया एंड समान, ए अल्फा की पावर हम लोग एन निकालें तो क्या आ जाएगा ए एन अल्फा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको सॉल्व करा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ इफ ए इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी, शो करना है कि ए इक्वल टू के इक्वल टू, ये मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि के सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स जो है वो हमारी ट्रू यानी कि सही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एन बराबर जो वैल्यू दे रखी है इसमें सबसे पहले एन इक्वल टू वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, फिर के रखेंगे, उसके बाद के प्लस वन रखेंगे, सभी के लिए वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी तो हम लोग कह देंगे ये ट्रू है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन में हमें वैल्यू दे रखी है एंड ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गिवन में जो वैल्यू दे रखी है उसे हमने लिख लिया, उसके बाद हमने लिख दिया वी कैन प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करें। देखिए यहाँ पे हमने के की जगह वन रखा, जब के की जगह ए की पावर वन यानी कि ए ही रहेगा, और जहाँ जहाँ के का वहाँ वहाँ रख दिया वन, तो हमने लिख दिया भाई दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन। अब देखिए यहाँ पे जब इसे हमने यहाँ पे के की जगह वन रखा तो इसे सॉल्व करके कि सेम आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा वन प्लस टू, यहाँ पे मटे तो यहाँ पे क्या टू रहेगा, तो वन प्लस टू क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। तो देखिए पहली वैल्यू क्या आ रही है माई थ्री, उसके बाद देखिए माइनस का फोर वन एट इज लिखा हुआ। अब देखिए वन माइनस का टू यानी कि क्या मेरे माइनस का वन जो कि लिखा हुआ, उसके बाद देखिए वन के लिए टू हो गया, हम लोग ए स्क्वायर निकाल दिया, यानी कि के की जगह क्या रखेंगे टू। तो इसमें हम लोग क्या ए और ए की मल्टीप्लाई करेंगे, जब ए की ए की मल्टी तो थ्री आएगा माइनस का फोर वन माइनस का वन, ये वैल्यू होगी ए की, और थ्री आएगा माइनस का फोर वन माइनस का वन, इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करने पे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एन इक्वल टू टू रख के देखेंगे, जो एन इक्वल टू जब टू रखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारी स्क्वायर वाली मैट्रिक्स होगी सारे वही एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे ए स्क्वायर निकाल लेते हैं,
फर्स्ट वाली रो की मल्टीप्लाई हो, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, यहाँ पे 3 3 हो जाएगा 9 एंड माइनस का हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12 एंड ये हो जाएगा प्लस का 5, सॉरी प्लस का 4। ठीक है, फिर सेकंड वाली रो की करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 एंड प्लस का 1। और इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 एंड ये हो जाएगा माइनस का 8, 2 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 3। तो ये आ रहा है हमारे ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग k की जगह 2 पुट करते हैं और उसे सॉल्व करेंगे तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो सेम यही मैट्रिक्स, तो हम लोग लिख देंगे दिस इज 2 फॉर n इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस क्या आएगा 2 एंड 2, माइनस का 4 आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 2, ये लिखा हुआ है 2, 1 माइनस का 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया 5, ये लिखा हुआ है, 4 टू ज़ा 8 एंड माइनस का, तो ये लिखा हुआ है 2 एट जेड लिखा हुआ, इसे सॉल्व करें यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 4, सॉल्व करेंगे क्या आएगा माइनस का 3 जो कि ये लिखा, तो हम लिख देंगे दिस इज़ ट्रू फॉर, दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 2 के लिए भी है ट्रू है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लेट अस कंसीडर, अब देखिए 1 के लिए प्रूव कर दिया, 2 के लिए हम लोग के लिए कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, तो हमने कंसीडर कर लिया कि एन इक्वल टू के लिए भी ये ट्रू होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए के इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 एंड के माइनस का 4 के आएगा, ये लिखा हुआ है के 1 माइनस का 2 के। ठीक है, तो के लिए हो गया, देखिए यहाँ पे 1 के लिए प्रूव करा, 2 के लिए यहाँ पे हमने फिर कंसीडर कर लिया कि एन इक्वल टू के लिए भी ये ट्रू होगा। अब यहाँ पे हम लोग के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ वी विल बी प्रूव दिस इज आल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1, यानी कि हमने लिख दिया नाउ वी विल प्रूव दिस इज आल्सो ट्रू फॉर, यानी कि ये जो है वो एन प्लस 1 के लिए भी ट्रू ही होगा। तो एक बार चलिए प्रूव भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए की पावर के प्लस 1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर के एंड ए, और ए की पावर के की वैल्यू ये लिखी हुई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 के माइनस का 4 के एंड यहाँ पे आएगा के और ये आएगा 1 माइनस 2 के। ये वैल्यू किसकी होगी, ए की पावर के की, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये लिखी हुई है, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का 4 1 माइनस का 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 के, माइनस का निशान लगाएंगे इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 के आ जाएगा एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 1 प्लस 2 के एंड जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, प्लस का आएगा 4 के। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के, इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे यानी कि अब सेकंड वाले कॉलम के, सेकंड वाली रो की कर रहे हैं फर्स्ट वाले कॉलम से, तो यहाँ पे 3 के इसकी जो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1 माइनस 2 के एंड इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4 के, माइनस का 1 आएगा, 1 माइनस आएगा 2 के। बस आपको मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई से सॉल्व करिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 6 के माइनस का 4 के, ये देखिए 3 के यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 के लिखा हुआ प्लस का 2 के माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के, यहाँ लिख दीजिए के प्लस 1, इससे सॉल्व तो माइनस का 4 आएगा एंड माइनस का 2 के आएगा प्लस का 4 के आएगा, माइनस का 4 के आएगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस का 2 भी आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 3 एट जेड लिखा रहेगा। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का 2 के प्लस 1 एट जेड लिखा रहेगा एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 एट जेड लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 के, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस का 1 एट जेड लिखा रहेगा, माइनस का हो जाएगा 2 के।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स किस तरीके सिर्फ मल्टीप्लाई करी, उसके बाद से थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमें चाहिए क्या, यहाँ पे के की जगह अगर के प्लस वन जाए और सेम मैट्रिक्स यही हो तो यानी कि ये के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। तो इसके लिए सेम हम लोग एट इजेड ऐसे इसे ऐसे ही लिखते हैं, क्या आएगा, वन प्लस टू एंड के प्लस वन, एंड यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का फोर, उसके बाद लिखिए के प्लस वन, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ के, ऐसे लिख देंगे के प्लस वन, उसके बाद लिखा हुआ वन माइनस टू के प्लस वन। अब चलिए चेक कर लेते क्या ये जो हमने लिखा है वो सेम यही है और मैट्रिक्स हमें यही मिलने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सही आ रहा है यानी कि के चल रहा था, तो के प्लस वन के लिए हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो के की जगह के प्लस वन आ गया। अब इसे चेक कर दें क्या, इसे हम लोग यहाँ पे देखिए वन लिखा है प्लस का टू, इसे सॉल्व करिए, वन प्लस टू के प्लस का टू, थ्री प्लस टू के, यानी कि ये देखिए बिल्कुल सही लिखा हुआ थ्री प्लस टू के। उसके बाद अगला लिखा हुआ माइनस का फोर के प्लस का फोर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का फोर, इसे जब सॉल्व करेंगे तो फोर एट इजेड लिखा रहेगा, फोर यहाँ पे एट हो जाएगा, सॉरी इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर की मल्टीप्लाई फोर से होगी, एंड यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा एट के, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड ये एट इजेड लिखा है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, फोर बचेगा, टू की जगह क्या आ जाएगा फोर, एंड जब यहाँ से हम लोग माइनस का फोर कॉमन लेंगे, अब देखिए माइनस का फोर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस का फोर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा के प्लस वन बचेगा। ये दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी माइनस में, क्योंकि माइनस का एट देखिए लिखा हुआ तो माइनस में आएंगे, माइनस का फोर कॉमन है तो के प्लस वन बचा। अगला देखिए टर्म लिखा हुआ यहाँ पे के प्लस वन, तो एट इजेड सही लिखा है, एंड यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें सॉल्व करें तो माइनस, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है वन माइनस का टू, ओके ये हो जाएगा प्लस का वन, और माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का वन, सॉरी माइनस का हो जाएगा टू। देखिए ये वैल्यू एट इजेड टू की मल्टीप्लाई करिए टू के, टू की मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे होगा टू माइनस का, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का वन और माइनस का टू के, ये देखिए एट इजेड लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि सेम वैल्यू हमें वही मिल गए, तो ये क्या निकाला, ये हम लोग निकाले थे ए के प्लस वन, तो यहाँ पे ये देखिए हमारा हो गया प्रूफ। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हिंस, इसके बाद आप लोग लिखिएगा हिंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हिंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, यानी एन की ये सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये ट्रू है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया, फिर से देखिए सबसे पहले जो वैल्यू गिवन में दे रखी, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सेम यही क्वेश्चन आता है, कोई डिफरेंट नहीं होगा, बट चेंजेस क्या हो सकते हैं, के की जगह वो एन कर सकते हैं, ठीक है। के की जगह के जो कौन से उसकी जगह एन कर सकते हैं या कोई पी कर सकते हैं, बस इतना चेंज होगा, बाकी सेम क्वेश्चन यही रहेगा। गिवन में जो वैल्यू लिखी थी उसे लिख ली, वी कैन प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड उसके लिए हमने एन बराबर वन के लिए चेक करा, के जहाँ चला था वहाँ पे वन रखा तो वह एन बराबर वन के लिए ट्रू था। सेकंड केस में क्या, एन बराबर टू के लिए चेक करा, एन बराबर टू रखा तो टू के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करा, स्क्वायर निकाली ए का, जब स्क्वायर करेंगे जो मैट्रिक्स आएगी, जब एन बराबर टू के रखेंगे तो सेम यही मैट्रिक्स हमें मिलेगी, इसलिए हमने पहले स्क्वायर निकाली। उसके लिए जब इसमें के की जगह टू रखा तो टू के लिए भी ये ट्रू था। लेट अस कंसीडर दिस इज ट्रू फॉर एन, तो हमने कंसीडर कर लिया एन इक्वल टू के लिए भी ट्रू होगा। नाउ वी विल बी प्रूव दिस आल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी प्रूफ सही होगा। तो हमने उसके बाद एन के प्लस वन के लिए सबसे ए के की और ए की जो वैल्यू थी उसे लिखा, मल्टीप्लाई करी, सॉल्व करा, जो वैल्यू आ रही है वो हमारी एन इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो के की जगह बस के प्लस वन आना चाहिए, ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो मेरे लिए हिंस वाई मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये जो है वो ट्रू है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया था डिफिनेशन ऑफ एन की, मैट्रिक्स क्या होती है, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, उसके बाद हमने आपको मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई, एंड जो हमने आपको आज की क्लास में दो क्वेश्चन सॉल्व कराए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाते हैं, जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव है, जिनके एमसीक्यूज है उनके लिए भी ऑप्शन में इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नोट्स बना लेने आज ही से, ठीक है। नोट्स हमारे डेली आपकी क्लासेस आएंगी, आपको डेली नोट्स बना, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाए तो आपको एग्जाम टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आज से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ स्पेशल टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।